हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ की, बम बम भोलेनाथ। भगवान शिव अनंत है और उनकी महिमा का बखान सदियों से होता चला रहा है। इनकी पूजा करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय गुजरता है। दोस्तों, भोलेनाथ एक ऐसे देवता है जो थोड़ी सी भक्ति से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनोवांछित फलों का भी प्रदान करते हैं। शिव जी को देवों का देव, महादेव कहा जाता है, क्योंकि जब सारे देवता हार मान जाते हैं तो भोले बाबा ही हैं जो हर संभव से नैया पर तैयार पार लगाने में सहायता करते हैं। शिव की आराधना का मूल जो मंत्र होता है वो सभी जानते हैं, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र है, लेकिन मैं जो आपको एक मंत्र बताऊंगी वो है, जो कि हम भगवान भोलेनाथ को जब भोग लगाते हैं या फिर पान अर्पित करते हैं तो किस मंत्र का जाप करते हैं, तभी भगवान भोलेनाथ धूप दीप नैवेद्य जो भी हम भोग प्रसाद लगाते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का जो मैं मंत्र है, जो मैं नैवेद्य मंत्र बताऊंगी, वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वो जो नोट कर लीजिएगा। और आप प्रत्येक सोमवार के दिन या प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन करते ही हैं तो भोग प्रसाद के समय आप इस मंत्र का उच्चारण जरूर से करें। तो चलिए, देरी ना करते हुए मंत्र मैं बताती हूँ आपको, मंत्र किस प्रकार से आपको बोलना है। तो इस मंत्र के द्वारा चंद्रशेखर भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः, पूर्वजाय चापरजाय च नमो, मध्यमाय चापागबल्लहाय च नमो, जघन्याय च बुद्धन्याय च ओम। दोस्तों, ये थोड़ा मंत्र लंबा है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जब आप भोग लगाते हो भगवान को तो इस मंत्र का जाप जरूर से करना चाहिए। तो चलिए, मैं फिर से इस मंत्र का उच्चारण करती हूँ और मैं बताऊँगी कितनी बार उच्चारण करना होता है। ओम नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः, पूर्वजाय चापरजाय च नमो, मध्यमाय च पगल्लभाय च नमो, जघन्याय च बुद्धन्याय च ओम। नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः, पूर्वजाय चापरजाय च नमो, मध्यमाय चापगल्भाय च नमो, जघन्याय च बुद्धन्याय च ओम। नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः, पूर्वजाय चापरजाय च नमो, मध्यमाय चापगल्भाय च
नमो जघन्याय च बुधन्याय च ॐ नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमो नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुधन्याय च ॐ नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुधन्याय च ॐ नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुधन्याय च ॐ नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुधन्याय च ॐ नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुधन्याय च ॐ नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुधन्याय च ॐ दोस्तों जो ये मंत्र है ये मंत्र चंद्रशेखर भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य अर्पण करते समय बोलना है। वैसे भोलेनाथ के बहुत से स्वरूप हैं, अनेकों रूप हैं। आप शिवालय में जाकर के आप भोले शंकर को अभिषेक कराते समय जग करा लें, पूजा पाठ कर लें पूरी विधि विधान से। जब आप भोग लगाएं तो इस मंत्र का जाप आप जरूर से जपें। ज़्यादा ना जप पाएं तो कम से कम 7 बार तो जरूर ही जपें, और वो भी अगर रुद्राक्षी माला से जाप करते तो एक माला यानी 108 बार जाप करना है।
नहीं तो आप उंगलियों की पोरों पर एक सिर्फ 7 बार जाप कर लें तो भी उत्तम है। तो इस मंत्र का जाप करने से भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होते ही हैं, अभिषेक करने से, पूरे विधि विधान से पूजा करने से। अगर आप मंत्र के साथ भोग नैवेद्य अर्पित करते हैं तो भगवान और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति कराते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख होता है वो शीघ्र ही दूर कर देते हैं। आपकी जो भी इच्छा होती है वो आपकी शीघ्र ही पूरी करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव।